Now we start important question which is related to the Jain and the Buddhism Council. क्या क्या important facts and figure है Jain और Buddhism Councils का, वो आज सारा clear कर लेते हैं. तो हम लोग देखते हैं, start करते हैं पहले Buddhism से. First council जो है Buddhism का वो कहाँ पे हुआ था? तो हुआ था राजगीर में. And then second council कहाँ पे हुआ था? Second council हुआ था वैशाली में. थर्ड काउंसिल कहाँ पे हुआ था? थर्ड काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्र में. एंड देन फोर्थ काउंसिल कहाँ पे हुआ था? फोर्थ काउंसिल जो है वो कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था. ठीक है, तो ये याद रखना है जो फर्स्ट काउंसिल था ये किसके पैटर्न्स में हुआ था, तो याद रखना है अजात शत्रु. सेकेंड जो हुआ था वो हुआ था काल अशोका, और जो थर्ड हुआ था वो अशोका, एंड द फोर्थ कनिष्का. अब इसका जो चेयरमैन है वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुआ था किसके चेयरमैनशिप में हुआ था? तो महाकाश्यप का चेयरमैनशिप में हुआ था. सेकंड जो हुआ था वो किसके चेयरमैनशिप में हुआ था? सवाक्मी के चेयरमैनशिप में हुआ था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल. थर्ड जो हुआ था वो हुआ था मोगलीपुत्र के चेयरमैनशिप में. एंड देन फोर्थ जो हुआ था वो वशुमित्र के चेयरमैनशिप में हुआ था. ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. तो अब यहाँ पे रहा याद करने का प्रॉब्लम कि ये हम लोग को याद कैसे होगा काउंसिल. तो उसका ट्रिक है RVPK. ठीक है, R फॉर क्या हो जाएगा? तो राजगीर. सेकंड V फॉर वैशाली, P फॉर पाटलिपुत्र, एंड K फॉर कश्मीर. याद रखना है RVPK. ये हो गया बुद्धिस्ट काउंसिल. लोग चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था? तो RVPK मीन्स राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर में हुआ था. किसके किसके चेयरमैनशिप में हुआ था वो देख लेना है, और कौन कौन सा पार्टन थे वो देख लेना है, और कौन कौन सा ईयर में हुआ है वो देख लेना है. बट ईयर पूछा नहीं जाता, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट इसका मेन है वेन्यू कहाँ हुआ था. तो RVPK में हुआ था, और किसके किसके चेयरमैनशिप में हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इसको एक बार देख लेना है, जिसमें कि ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, फोर्थ वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जैन के बारे में. तो जैन में सिर्फ दो काउंसिल हुआ था. बुद्धा का चार काउंसिल हुआ था, जैन का सिर्फ दो काउंसिल हुआ था. जो फर्स्ट काउंसिल हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और वो सुतला बाहु जो थे दिगंबर के जो फॉलोअर्स थे, मतलब बोल सकते लीडर्स थे, तो वो उनके चेयरमैनशिप में हुआ था फर्स्ट काउंसिल. और जो सेकेंड काउंसिल है वो कहाँ पे हुआ था? तो वो वल्लभी में हुआ था. तो उसका हम लोग लॉजिक याद किए थे RVPK, इसका क्या हो जाएगा? सिर्फ PV. ठीक है, PV मतलब पाटलिपुत्र में फर्स्ट हुआ था, और सेकेंड कहाँ पे हुआ था? वल्लभी में हुआ था. और फर्स्ट वाला किसके चेयरमैनशिप में हुआ था? तो फर्स्ट वाला सुतल बाहु के चेयरमैनशिप में हुआ था. सेकेंड वाला किसके चेयरमैनशिप में हुआ था? तो देवा देवाराधि के चेयरमैनशिप में ये वाला हुआ था. ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो काउंसिल हुआ था जैन का, ये इसका पर्पस क्या था? तो 12 अंगा वॉज रिप्लेस्ड बाय दी 14 पुराण्स. ठीक है, 12 अंगा को रिप्लेस किया गया था, रिप्लेस द लॉस्ट 14 पुराण्स के थ्रू. यहाँ पे अब क्या था कि एक्सेप्टेड बाय दी श्वेतांबर, इसको श्वेतांबर जो है वो लोग एक्सेप्ट किया था. और याद रखना जो सुतल बाहु थे वो किसके थे? वो दिगंबर के थे, दिगंबर क्लैन के थे. दिगंबर क्लैन का मतलब क्या हुआ? स्काई क्लैन, जिसको हम नेकेड बोलते हैं, वो उसके थे ये फॉलोअर्स. सेकेंड जो है वो हुआ था बल्लवी में हुआ था. और इसका पर्पस क्या था? तो क्या क्या हुआ था इसमें? तो कलेक्ट किया था जितना भी सेक्रेट टेक्स्ट था. सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र. जितना भी पवित्र टेक्स्ट था उसको कलेक्ट किया था, रिटन और इन दिन सिस्टमेटिकली मैनर, सिस्टमेटिक मैनर उसको लिखा था. और कॉम्पाइलेशंस किया था 12 अंगाज का और 12 उप अंगाज का. ये लोग का कॉम्पाइलेशंस किया था. कॉम्पाइलेशन बेसिकली इज अ समरी. ठीक है, तो समरी में एक जगह पे किसी की कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल जो है वो एक समरी है. कि प्रियम्बल हम लोग पढ़ लेते तो ओवरऑल हम लोग को कॉन्सेप्ट पता चल जाता है क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं है. उसी तरह क्या किया था, ये जो 12 अंगाज है, 12 उप अंगाज है, ये लोगों का कॉम्पाइलेशन करके कॉम्पाइलेशन बना दिया था कि वो हम लोग ईजी वे में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ठीक है, और कलेक्ट किया था सीक्रेट्स बुक एंड द टेक्स्ट रिटन देम. तो एक हम लोग देख लेते हैं ओवरऑल क्या है. तो हम लोग फर्स्ट जो है वो बुद्ध काउंसिल देखते हैं. तो फर्स्ट बुद्ध काउंसिल्स में क्या है कि ये हुआ कहाँ था? RVPK में हुआ था, मतलब राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर. एंड सेकेंड देखते हैं हम लोग जैन काउंसिल कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र और वल्लभी में हुआ था. ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है. दैट्स एंड.